हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और ऑपरेशन की, लीनियर एरे पे, दैट इज़ कॉल्ड इंसर्शन। किसी भी लीनियर एरे में अगर हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो उसको हम कैसे करते हैं और उसके लिए हम क्या एल्गोरिथम लिखेंगे। पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेवर्सल ऑफ ए लीनियर एरे पढ़ा था, आज हम लोग इंसर्शन पढ़ते हैं। सो वी स्टार्ट विद इंसर्शन। Inserting in a linear array, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि ए कोई, लेट ए इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इंसर्टिंग का मतलब क्या होता है, इंसर्टिंग रिफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ एडिंग अनदर एलिमेंट टू द कलेक्शन। तो मान लीजिए हमने ए कहा कि ए क्या है, ए है कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक, अब इसमें हमें इंसर्टिंग करना है। तो इंसर्टिंग का मतलब क्या हुआ या इंसर्शन का मतलब क्या हुआ, इंसर्टिंग रिफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ एडिंग अनदर एलिमेंट टू द कलेक्शन ए। इंसर्टिंग का मतलब ये हुआ कि हमें कोई और एलिमेंट जो है, इस जो ए कलेक्शन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है उसमें हमको ऐड करना है। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इसको हम कैसे करेंगे कि देखिए, इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ ए लीनियर एरे कैन बी इजिली डन प्रोवाइडेड द मेमोरी स्पेस एलोकेटेड फॉर द एरे इज लार्ज इनफ टू एकोमोडेट द एडिशनल एलिमेंट। तो मान लीजिए कोई हमारे पास लीनियर एरे है, सपोज कीजिए हमने कहा कि ये कोई एरे है हमारे पास, ठीक है, और मान लीजिए एरे ए है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है, ठीक, और ये हमारे पास अभी एम्प्टी स्पेस बचा हुआ है। अब इसमें मान लीजिए ए 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक एलिमेंट से हमने कोई भी डाटा एलिमेंट आप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने कहा से 17 है, 9 है, 4 है, और कुछ ले लीजिए 52 है, फिर हमने कहा से 78 है, ये एलिमेंट है। अब अगर हमें कोई नया एलिमेंट इसमें ऐड करना है तो अगर इसको लास्ट में यहाँ ऐड करना है एंड में, और ऑलरेडी हमारे पास ये स्पेस अवेलेबल है एरे के पास, तो आसानी से ये एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऑन द अदर हैंड सपोज वी नीड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द मिडिल ऑफ द एरे। अब मान लीजिए हमने कोई नया एलिमेंट, हमने कहा से नया एलिमेंट है हमारे पास, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, हमने कहा 14। अब इस 14 को अगर हमें यहाँ ऐड करना है तो वो काम तो ईजिली हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए इस 14 को हमने कहा कि हमें यहाँ A3 पोजीशन पे ऐड करना है, अगर इस 14 को हमें यहाँ ऐड करना है तो उसके लिए क्या होगा, देन ऑन द एवरेज हाफ ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी मूव डाउनवर्ड टू न्यू लोकेशंस टू एकोमोडेट द न्यू एलिमेंट्स एंड कीप द ऑर्डर ऑफ द अदर एलिमेंट्स। अब इस 14 को अगर हमें यहाँ इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले इन एलिमेंट्स को हमें नीचे, यानी इस 4 को हमें यहाँ करना होगा, इस 52 को यहाँ करना होगा, इस 78 को यहाँ करना होगा, फिर ये स्पेस खाली होगी और तब यहाँ हम 14 को इंसर्ट कराएंगे। ठीक, तो एंड में अगर एडिशन करना है तो बहुत आसान है, अगर आपको बीच में कहीं करना है किसी एलिमेंट को तो उसके लिए आपको ये सारी प्रक्रिया करनी होगी। ठीक, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका जो है हम आपको एल्गोरिथम भी लिखते हैं और एग्जाम्पल लेके समझाते भी हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लीजिए, ठीक है, हमने कहा कि सपोज टेस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी ए 5 एलिमेंट एरे बट डाटा हैव बीन रिकॉर्डेड ओनली फॉर टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3। इफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट टेस्ट देन वन सिंपली असाइन टेस्ट 4 पे आप एक्स डाल सकते हैं टू एड एक्स टू द लिस्ट। सिमिलरली वाई इज द वैल्यू ऑफ द सब्सिक्वेंट टेस्ट देन वी सिंपली असाइन
टेस्ट 5 इक्वल टू वाई टू ऐड वाई टू द लिस्ट. नाउ हाउएवर वी कैन नॉट ऐड एनी टेस्ट स्कोर्स टू द लिस्ट. मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई एक एरे है टेस्ट के नाम से, ठीक है, टेस्ट 5 के नाम से आपके पास एरे दिया हुआ है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है. तो ये हमने लिखा टेस्ट, ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स दिया हुआ है वो दिया हुआ से 1, 2, 3, 4, 5. तो इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए ये टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5. अब इसमें ऑलरेडी देखिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ठीक है, केवल 3 डाटा तक ही वैल्यूज फिल्ड है. मतलब हमने कहा कि मान लीजिए से टेस्ट में हमने 1 में लिखा हुआ है से आकाश, ठीक, यहाँ लिखा हुआ है अमन, यहाँ लिखा हुआ है अनिल. अब अगर हमें नई वैल्यू, क्या नई वैल्यू अगर एक्स हमको इंसर्ट करनी है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये लिख देंगे कि साहब टेस्ट 4 इक्वल टू, टेस्ट 4 को असाइन कर देंगे क्या एक्स, तो एक्स यहाँ आ जाएगा. फिर ऐसे अगर हमें मान लीजिए वाई को असाइन करना है अगले एलिमेंट में, तो हम यहाँ लिख देंगे टेस्ट 5 और वाई असाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसके बाद अगर आप कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहेंगे, तो चूंकि अब इसमें जगह ही नहीं बची है, टेस्ट जो है केवल 5 एलिमेंट की एरे थी, तो और कोई नया एलिमेंट आप इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक. तो ये तो हो गया एक एग्जांपल. अब दूसरी एग्जांपल लीजिए इंसर्शन के लिए ही. मान लीजिए हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं से एग्जांपल 2, ठीक. इसमें क्या है कि मान लीजिए हमारे पास नेम के नाम से एक 8 एलिमेंट लीनियर एरे है, और उसमें से 5 एलिमेंट जो है दिए हुए, मतलब फील्ड है. तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई एरे दी हुई है, ऐसे हमने इसका कोई नाम, मान लीजिए नाम हमने रख दिया नेम, ये है हमारे पास गिवन एरे. टोटल इसमें कैपेसिटी कितनी है 8 एलिमेंट की. तो एक मान लीजिए यहीं से हम कर देते हैं, ये हो गया 4, ये हो गए, और 4 ये हो गए, 8 एलिमेंट हो गए. अब इसको हमने इंडेक्स दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये अब ये जो नेम एरे है इसके अंदर 8 एलिमेंट की कैपेसिटी है, लेकिन 5 ही एलिमेंट अभी फिल्ड है. तो मान लीजिए 5 एलिमेंट में हमने कोई भी नाम दे दिया, हमने कहा से आकाश, ठीक है, उसके बाद हमने दे दिया अमन, फिर हमने दे दिया अनिल, फिर हमने दे दिया मान लो ब्रिजेश, और फिर हमने दे दिया से, ठीक है, तनु, ठीक, ये नाम हमने दे दिया. अब इसमें क्या है, 5 एलिमेंट फील्ड है. अब हमको क्या करना है कि ऑब्जर्व दैट द नेम्स आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली. तो पहली बात तो ये है कि नेम जो है इसके अंदर वो अल्फाबेटिकली लिस्टेड होंगे. एंड सपोज वी वांट टू कीप द एरे नेम्स अल्फाबेटिकल एट ऑल टाइम्स, सपोज ए न्यू नेम इज एडेड टू द एरे, देन अदर नेम्स मस्ट बी मूव डाउनवर्ड वन लोकेशन, ठीक है. अब इसमें अगर हमको एक नेम ऐड करना होगा, तो बाकी अगर एक नेम मान लीजिए हमें इसमें ऐड करना है, तो बाकी नाम जो है वो डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक. अब उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट सपोज टेलर इज एडेड टू द एरे, देन वैगनर मस्ट बी मूव, ठीक है. अगर टेलर हमें ऐड करना है तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से वैगनर मूव करेगा, ठीक. उसके बाद लास्टली मान लीजिए सपोज डेविस इज रिमूव फ्रॉम द एरे, देन द 5 नेम्स, ठीक है, मस्ट ईच बी मूव अपवर्ड इन द डायरेक्शन. क्लियरली सच मूवमेंट्स ऑफ डाटा वुड बी वेरी एक्सपेंसिव इफ थाउजेंड्स ऑफ नेम्स वर इन द एरे. अब इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर हमको इसमें एरे, कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें हमें डाटा को एलिमेंट, एक तो नाम को अल्फाबेटिकल रखना है, दूसरे एरे एलिमेंट्स को हमें इंसर्ट भी करना है. तो जैसे हम इंसर्ट करेंगे, सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमने कोई नाम एंटर किया से राजू, ठीक है. अब क्या होगा,
राजू कहाँ पे ऐड होगा, राजू अगर अल्फाबेटिकल आपको मेंटेन रखना है तो ये तनु नीचे जाएगा यहाँ पे और राजू फिर इस जगह आएगा, ठीक है। यानी ये इस जगह से राजू यहाँ आएगा और तनु यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने ये कहा कि मान लीजिए हमें से आशीष एंटर करना है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको आशीष की स्पेलिंग है ये, अब अगर ये एंटर करना है तो अगर हमें अल्फाबेटिकल मेंटेन रखना है तो ये आशीष कहाँ पे आएगा, ये सबसे पहले आएगा। अब इसको सबसे पहले आने के लिए ये सारे नाम जो है पहले एक एक ये डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे, ठीक है, और तब जाके ये स्पेस खाली होगा और तब यहाँ पे आशीष आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरह से एंट्री करेंगे तो क्या होगा कि इतने ज़्यादा डाटा को हमें मूवमेंट कराना पड़ेगा कि इट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पर्टिकुलर एल्गोरिथम यूज करते हैं जो किसी भी नए एलिमेंट्स को लीनियर एरे में इंसर्ट करेगा। तो अब इसके लिए एल्गोरिथम जो हम यूज करते हैं उसमें हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए लेट अस सपोज, मान लीजिए हमारे पास कोई आइटम के नाम से एरे है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि लेट अस सपोज दैट आइटम, अच्छा आइटम आइटम का नाम का जो डाटा एलिमेंट है इसको हमको एले एरे में कहाँ पे ऐड करना है, एले एरे में केएथ पोजीशन पे। आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है कि हमारे पास कोई डाटा एलिमेंट है आइटम, इसको हमारे पास जो एले एरे है उसमें केएथ पोजीशन पे उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि द फर्स्ट फोर स्टेप्स क्रिएट स्पेस इन एले बाय मूविंग डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड वन लोकेशन ईच एलिमेंट फ्रॉम केएथ पोजीशन। तो देखिए इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आपके पास से ये कोई आपने कहा एरे है, ऐसे समझ लीजिए दिस इज एले एरे, ये इसके इंडेक्स हो गए 1 2 3, अब टू मान लीजिए ये केएथ पोजीशन हो गया, फिर ये K+1 हो गया, और फिर ऐसे करते करते लास्ट मान लीजिए एन एलिमेंट है तो ये एन हो गया। अब 1 2 3, फिर ऐसे ही ये बीच में और सब आ जाएंगे, ये के हो गया, फिर ये K+1 हो गया, फिर ये K+2 हो गया, और ऐसे ही लास्ट मान लीजिए ऐसे ही आते आते ये nth पोजीशन हो गई, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि अगर नए एलिमेंट को हमें kth पोजीशन पे करना है, यहाँ पे अगर हमें नए एलिमेंट को डालना है तो हमें क्या करना होगा कि पहले इस स्पेस को खाली करना होगा। खाली करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे जो डेटा एलिमेंट अवेलेबल है उन सबको एक एक पोजीशन डाउनवर्ड मूव कराना पड़ेगा, तब जाके ये स्पेस खाली होगा और फिर यहाँ पे हम ये आइटम जो है डाल देंगे, ठीक। तो यही कार्रवाई होगी। अब इसी का जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो इसकी आप एल्गोरिथम लिखिए और अब वहां से समझिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा से एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का कोई भी आइडेंटिफाइंग नंबर डाल दिया हमने कुछ भी, से हमने कहा कि से एल्गोरिथम 4.2, ठीक। अब उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे एल्गोरिथम के बारे में कि इंसर्टिंग इनटू ए लीनियर एरे, तो यहाँ हमने लिखा इंसर्टिंग इनटू ए लीनियर एरे, ठीक है, इंसर्ट करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमने लिखा देखिए इंसर्ट, यहाँ पे हमने नाम दिया एले का, ये लीनियर एरे का नाम एले हो गया, साइज क्या है एन हो गई, हमको किस पोजीशन पे ऐड करना है के पोजीशन पे ऐड करना है और क्या ऐड करना है आइटम ऐड करना है, ये चीजें हमने दे दी यहाँ पे। अब क्या होगा कि यहाँ पे उसको डिक्लेयर करते हैं कौन सी चीज क्या है, तो हमने लिखा हियर
एले इज ए लीनियर एरे, इज ए लीनियर एरे विद एन एलिमेंट्स, विद एन एलिमेंट्स एंड के इज ए पॉजिटिव इंटीजर, के इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट के इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, दिस एल्गोरिथम इंसर्ट्स एन एलिमेंट आइटम इनटू द केथ पोजीशन इन एलए। तो ये एल्गोरिथम क्या काम करेगी, दिस एल्गोरिथम इंसर्ट्स एन एलिमेंट आइटम इनटू द केथ पोजीशन इन एलए। ठीक है, अब एल्गोरिथम आप लिखिए। तो मान लीजिए पहला स्टेप हो गया इनिशियलाइज काउंटर। पहला स्टेप हमने लिखा इनिशियलाइज काउंटर। ठीक है, ये हो गया सेट जे इक्वल टू एन। दूसरा स्टेप लीजिए, रिपीट स्टेप 3 एंड 4। रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। जब तक जे जो है के से बड़ा है तब तक आप ये काम कीजिए। और क्या करना है कि मूव जेथ एलिमेंट डाउनवर्ड, हमको मूव जेथ एलिमेंट डाउनवर्ड, यानी सेट एले जे प्लस वन जे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज काउंटर। जे इक्वल टू जे माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे फिर लूप स्टेप 2 का जो लूप है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, स्टेप 2 लूप यहाँ एंड हो जाएगा। अब जब ये kth पोजीशन खाली हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंसर्ट एलिमेंट। ठीक है, यानी हमने लिखा सेट एल ए के इज इक्वल टू आइटम। ठीक है, फिर एन को रीसेट करेंगे क्योंकि अभी एन जो है एन प्लस वन हो गया, तो इसको हम लिखेंगे रीसेट एन। ये हो गया आपका सेट एन इक्वल टू एन प्लस वन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपका एल्गोरिथम एंड हो गई, तो यहाँ आप लिख दीजिए एग्जिट। ठीक, तो देखिए जो अभी हमने आपको यहाँ पे थ्योरी में समझाया था कि यहाँ पे कि पहले केएफ वाले जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं के से लेकर और आगे तक के, उन सबको हम एक पोजीशन डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे। फिर जब केएफ पोजीशन खाली हो जाएगा तो यहाँ पे फिर हम आइटम इंसर्ट कर देंगे। और जो एलए का जो साइज था पहले क्या था, एन था, चूंकि हमने के एक एलिमेंट और ऐड कर दिया है तो हम उसको एन प्लस वन कर देंगे। ठीक, तो ये एल्गोरिथम
इसी तरह काम करती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।